नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबर। रूस और यूक्रेन की सीमा पर पिछले कुछ दिनों से चल रही तनातनी अब समाप्त होती दिख रही है। समाचार एजेंसियों के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक रूस ने क्रीमिया से अपने सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा कर दी है। रूस के इस ऐलान को एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। हालांकि रूस के इस ऐलान पर अमेरिका के साथ ही अन्य देशों ने भी अविश्वास व्यक्त किया था। अमेरिका की ओर से ये कहा गया था कि रूस ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि कहां से कितने सैनिकों को वापस बुलाया गया है। उन्होंने कहा था कि अब भी 150,000 से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमाओं के पास तैनात हैं। उन्होंने रूस से सेना की वापसी का सबूत मांगा था, जिसके बाद बुधवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्रीमिया से सेना वापस आ रही है। इस वीडियो में टैंकों और सैन्य वाहनों को क्रीमिया से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सैनिक भी अपने स्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। धन्यवाद।